ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ ऑफिस में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूँ। ये चेहरा तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। और उसके पापा हमारे पड़ोस में रहते तो थे, पर घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। बड़े अजीब थे, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या छिपा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। कमाल है, इस लड़की प्रथा के बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं। कोई तो बहुत गहरा राज है इस लड़की के पीछे। शेष नागिन वो देशभक्त हैं जिन्होंने अपनी शक्ति और भक्ति से यमुना का सारा विष पी लिया, और यह विषपान सिर्फ एक शेष नागिन ही कर सकती थी। नागिनों की नागिन शेष नागिन को मेरा साष्टांग प्रणाम। जहां पर शेष नागिन विराजित थी वहां से यहां आई हमारे देश को बचाने, अपनी मिट्टी की आन बचाने, और आज इस मिट्टी इस देश को आप पर गर्व है शेष नागिन। जिम्मेदारी उसको दी जाती है जो दर्द सह सके। आज हमारी माँ और पिताजी गुजर गए, तुम्हें ये दर्द सहना होगा, और कल जब वक्त आएगा इस दुनिया को बचाने के लिए, मैं तुम्हारे साथ हर पल हर कदम चलूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। शायद शिव जी यही चाहते थे कि तुम शेष नागिन बनो। दीदी, हम दोनों के अंदर नागिन और इंसान का रूप। नहीं, मैं शेष नागिन बनना चाहती थी और तुम इंसान, तुम शेष नागिन बन गई है, और मैं अपनी तपस्या के बाद नागिन बन गई। हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ इंसान बनना। सब कुछ खत्म हो गया दीदी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे सपने, इस महल में हमारा सब कुछ खत्म हो गया दीदी। इस महल में हमने सब कुछ खो दिया दीदी। नफरत हो गई है मुझे इस महल से। नहीं, मैं इस महल में वापस कभी नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी अपनी शिव भूमि में। इस महल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। नफरत है मुझे इस जगह से। मैं जा रही हूँ, कुछ भी हो जाए इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। मैं जा रही हूँ और सब तब वापस आऊंगी जब मुझे बुलाया जाएगा। जो करना होगा वो कर लूंगी और फिर वापस अपनी शिव भूमि में चली जाऊंगी, पर इस महल में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं।
और तब से मैं और प्रथा इस जमीन के नीचे ही रहते थे। पर फिर जब प्रोफेसर ने शेष नागिन को बुलाया इस देश को बचाने के लिए, प्रथा इस धरती का सीना फाड़ के बाहर आ गई और मैं भी उसके साथ आ गई। उस काली रात ने मेरी पूरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया, इसलिए मैं इस महल में कभी वापस नहीं आना चाहती थी। ये आदमी इस लड़की का बाप मेरे साथ काम करता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। ये लड़की भी बहुत अच्छी है, कोई गद्दार नहीं, कोई साजिश नहीं, मैंने पूरा रिसर्च किया है। इसका मतलब प्रथा सही है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है वो जो दिखती है वो है नहीं, वो कुछ और ही है। ऋषभ सारे फैक्ट्स है यहाँ पे। एनीवे थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। ऋषभ अब पता चल गया ना प्रथा गलत नहीं है, अब तुम उसे जाने दो। ऋषभ तुम जैसे लड़के, तुम लोगों ने लड़कियों को एक चीज समझा है, लड़कियों के साथ खेल खेलते हो, उनके साथ खिलवाड़ करते हो, उनका चीर हरण करते हो और फिर उन्हें मार देते हो ताकि तुम्हारे गुनाह का कोई सबूत न रहे। कातिल अपनी निशानी छोड़ ही जाता है, कत्ल का निशान कातिल को सामने ले ही आता है, उसके मौत को उसके सामने ले ही आता है। आ गई तेरी मौत, तेरे सामने खड़ी है। दिया को जो मौत तूने दी थी, उस मौत के दर्द से भी ज्यादा दर्द मैं तुझे दूंगी। तेरी एक मौत में हजारों मौत का दर्द मैं तुझे दूंगी। मुझे मेरे शिव जी की कसम है, आज आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तेरी जान लेके रहूंगी मैं। भाभी प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप नागिन हो। बताने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। शिकार का बहुत शौक है ना तुझे, लड़कियों का शिकार करता है ना तू, आज मैं तेरा शिकार करूंगी। इसे कहते हैं नागिन का प्रतिशोध। जब नागिन अपने इंतकाम पर उतर आती है तो जला के राख कर देती है। देख ले, मरने से पहले अपनी मौत की चिता जलते हुए देख ले। समारा, इट्स अमेजिंग। आज इस पार्टी में हमारे देश के बेशकीमती डायमंड की एक्सिबिशन है। कम ऑन। प्रथा, ये हीरा तो बिल्कुल मणि जैसे लग रहा है। हाँ दीदी, इससे साबित होता है कि वो असुरों का सरदार, वो मास्टरमाइंड, यहीं पे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश रच रहा है। हमें उसे इसी पार्टी में पकड़ना होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पे भी आप आ गए, थैंक यू। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्टी कम डायमंड एग्जीबिशन है। इस पार्टी में एक बहुत ही बेशकीमती डायमंड की प्रदर्शनी होने वाली है जो बहुत सालों बाद इंडिया लौट रहा है। सारे चंगिस्तान की नजर इस डायमंड पे है। इस डायमंड की खासियत यह है कि ये डायमंड इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली नागमणि जैसा दिखता है और ये पार्टी कम एग्जीबिशन करण मेहरा ने थ्रो की है। यहाँ इस पार्टी में जब सब लोग जश्न मना रहे हैं, कहीं कोई मास्टरमाइंड है जो कोई ना कोई साजिश रच रहा है। हमें एक फोन आया था और फोन के ही थ्रू हमें खबर मिली थी कि कोई डील करने वाला है। पता नहीं क्या डील है वो। आपके आर्मी चीफ ने मुझे कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं और इसीलिए आपको इस पार्टी में इन्वाइट किया गया है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें किसी भी हालत में इस मास्टरमाइंड को पकड़ना ही होगा।